समिति अलवर द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर जारी धरने के 28वें दिवस सेवानिवृत्त सीनियर नर्सिंग अधिकारी ओम प्रकाश महिवाल, हेमचंद सैनी व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव व शिव गुप्ता ने ईएसआईसी डिस्पेंसरियों से कान्हाराम सैनी, अशोक मीणा, खैराती लाल मीणा, जयपाल यादव, इमरान व राजेश मीणा को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। आज धरने पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने पहुंचकर नैतिक समर्थन दिया तथा धरने को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सेज की वाजिब मांगों पर सरकार को गौर करना चाहिए। धरने पर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर के अध्यक्ष विजय सिंह चौधरी ने भी पहुंचकर धरने पर समर्थन देते हुए कहा कि नर्स चिकित्सा तंत्र का अभिन्न अंग है, इसके बिना चिकित्सा सेवाओं की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए इनकी मांगों पर सरकार प्राथमिकता से विचार करे जिससे सेवाओं को सुचारू किया जा सके। जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद भी वार्ता नहीं कर सरकार नर्सेस को बहिष्कार के लिए मजबूर कर रही है। संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीणा, भगवत सिंह नरूका, राहुल यादव ने बताया कि 15 अगस्त को धरना स्थल पर ध्वजारोहण किया जाएगा तथा 16 अगस्त से समस्त चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसकी सूचना आज प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के मीणा को प्रस्तुत की। आज इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक रीटा रोज, राकेश नधेड़िया, दिलीप यादव, दिनेश चावला, गौरीशंकर गुप्ता, संजय गर्ग, रीना कंवर, विष्णु शर्मा, मुकेश मीणा, अनिल सुरेला, हरीश जायसवाल, शशिपाल यादव, राजकुमार यादव, शशिकांत गुप्ता, मुकेश शर्मा, सुखपाल वर्मा, पदम यादव, सतवीर यादव, महेश शर्मा, अमित जैन, राजेंद्र अरोड़ा, बनवारी लाल, राजकुमार जैन, योगेश यादव सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे।